नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम रविंद्र। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि एयरटेल मित्र ऐप से आप एयरटेल का सिम किस तरह से एक्टिवेट करोगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अभी नए हैं और आपने हमारा टेक्निकल स्टार YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, जिससे भविष्य में हम कभी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि 2020 में सिम किस तरह से एक्टिवेट होता है एयरटेल का, और सीधा चलते हैं एयरटेल मित्र ऐप में। सबसे पहले दोस्तों, आपको प्रीपेड डिजिटल एक्टिवेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन आता है कस्टमर का फोटो लेना है आपको। तो दोस्तों, ध्यान रखें, कस्टमर का फोटो लेते समय उसका बैकग्राउंड वाइट हो और फोटो को आपको सही ढंग से लेना है, जिस तरह से मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, सेम आपको यही प्रोसेस करना है। उसको फिर लेने के बाद डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों, फिर अपलोड POA यानी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है, यदि आप आधार कार्ड से सिम एक्टिवेशन कर रहे हो तो दोस्तों। फिर आता है दूसरा, आधार कार्ड का फ्रंट फोटो, इसका भी बैकग्राउंड दोस्तों वाइट होना चाहिए, ID एकदम क्लियर होनी चाहिए, जो लिखा हुआ है वो साफ दिखना चाहिए। तो लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं फ़ोटो खींचने के बाद। इसके बाद आता है, इसको डन कर देते हैं। उसके बाद आधार कार्ड के बैक साइड का फ़ोटो, फ़ोटो लेने के बाद इसे खींच लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको डन कर देंगे, आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद सेम कर देंगे, सेम POA, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है दोस्तों, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। यदि आप इसको एक बार देख लोगे तो इसमें देखिए, कस्टमर डिटेल डालनी है, जो आधार कार्ड में कस्टमर का नाम हो वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है दोस्तों। ध्यान से करना है, आपसे कोई गलती ना हो। फिर उसके बाद हमारे तो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी कस्टमर की, जो कस्टमर के आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट के अंदर डेट ऑफ बर्थ होगी दोस्तों, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है, जिस तरह से मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तारीख, महीना और साल, और यहाँ पे कस्टमर के फादर नेम डालना है दोस्तों, जो आधार कार्ड के अंदर डाला हो वही आपको डालना है। यदि आधार कार्ड में नहीं है तो आपको कस्टमर से कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पे एक अल्टरनेट नंबर देना होगा कस्टमर का, जिस पे एक्टिवेशन करते समय दोस्तों आगे OTP आएगा, और उसका रिलेशन सेलेक्ट कर देना है कोई भी हो। और दोस्तों यहाँ पे होम नंबर डाल देना है, और जो आधार कार्ड में गाँव का नाम हो वो है आपको स्टेट में डाल देना है। उसके बाद आता है आपका लोकेशन में, लोकेशन में सिटी डाल दीजिए, सिटी डाल देंगे दोस्तों। दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है इस वीडियो में, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप यदि इसको पूरा देखोगे तो दोस्तों आप आसानी से समझ जाओगे। इतना डालने के बाद दोस्तों इसमें आ जाता है पिन कोड, पिन कोड डाल दीजिए जो कस्टमर की ID में डला हो, और यहाँ पे सेम कर देते हैं क्लिक करने के बाद में। अब यदि नॉर्मल है तो दोस्तों ऊपर मोबाइल नंबर और नीचे सिम के लास्ट के 4 अंक डाल देते हैं, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों चॉइस। यहाँ पे कोई भी 4 अंक डाल दीजिए, या 2 अंक डालने तो 2 अंक डाल सकते हो। उसके बाद इसमें सर्च कर दीजिए, जो भी इसमें से कस्टमर को दिखा दीजिए नंबर, जो लेना चाहे उसको चॉइस करा दीजिए, और उस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आप चॉइस सिम एक्टिवेशन कर सकते हो। ये वो सिम होती है दोस्तों, चॉइस वाली, जो ब्लैंक सिम होती है, और इसको यस कर दीजिए नंबर पर क्लिक करके। और दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, जो आपके पास ब्लैंक सिम है उसका बार कोड आपको स्कैन करना है इस तरह से, और यहाँ पे आप FRC सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कस्टमर के नंबर पर जो वो नई सिम में FRC डालनी है आपको। उसके बाद देखिए, ये सब छोड़ देना है आपको, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इधर करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा, सर्च चलेगा, उसके बाद फिर हमको आगे बढ़ना है दोस्तों। और यहाँ पे देख रहे हैं, ये अल्टरनेट नंबर जो था इस पर OTP आएगा साथ के साथ, वो OTP आपको यहाँ पर नीचे एंटर कर देना है। करने के बाद आपको फिर इसको सबमिट कर देना है। दरअसल OTP का टाइमिंग कुछ नहीं होता दोस्तों, वो 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में या 20 सेकेंड में भी आ सकती है। OTP हमको यहाँ से ले लेना है, ये OTP हमने ले लिया है, और हमको सीधा एयरटेल मित्र ऐप में आना है और इसको डाल देना है यहाँ पर। फिर उसके बाद में इसको दोस्तों
सबमिट कर देना है, हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट स्टेप, कस्टमर का आपको फ्रंट कैमरे से फ़ोटो लेना होगा, जो रिटेलर है मेरे पास जो एक्टिवेशन कर रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रहे, जब तक फ़ोटो आपका क्लियर नहीं होगा तब तक एयरटेल मित्रा ऐप का जो ये है प्रोसेस, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए आप गलती से भी कुछ भी फ़ोटो का एंगल सही नहीं होगा और आप फ़ोटो खींच देते हो तो दोस्तों वो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। जब तक फ़ोटो सही क्लियर मात्रा में हो और उसको डन कर देना है, तब तक आप फ़ोटो को सही तरीके से लेना। अब आता है नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, अब रिटेलर के नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को नीचे ऑटोमेटिकली ले लेगा और उसको आपको एंटर कर देना है दोस्तों। और एंटर करने के बाद में सबमिट कर दीजिए और नीचे भी सबमिट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका एक्टिवेशन सफल हो चुका है और नीचे आप चाहो तो पिन डाल सकते हो साथ ही साथ, या इस एक्टिवेशन में यदि आप साथ के साथ एफआरसी नहीं करना चाहते तो पिन डाल लेगा। तो दोस्तों एक्टिवेशन हो